हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ एक स्टॉक जिसके अंदर मैंने आज एंट्री किया है, और एक स्टॉक जो मैंने आई थिंक फ्राइडे को एंटर किया था, और आज के दिन में जितना रिटर्न मैंने एक्सपेक्ट किया था एक से 2 दिन के अंदर में, उसके अंदर वो रिटर्न जनरेट हो गया। लेकिन जैसे कि आप जानते हो मैं कैश ट्रेडिंग में डील करता हूँ, तो मुझे पता था वो स्टॉक टेम्पररी नीचे आ सकता है, उसमें फिर से रेंटर करूंगा, तो जब वो अपॉर्चुनिटी मिलेगा फिर से उसके अंदर मैं एंटर करने की कोशिश करूंगा। तो क्यों वो स्टॉक्स के अंदर मैंने एंटर किया और वो जानने की कोशिश करेंगे, राइट। बहुत सारे लोग को जानना रहता है कि कौन सा स्टॉक मैं बाय कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, सो दैट आपको आइडिया मिल सके, राइट। तो उसके लिए आप ज्वाइन बटन को क्लिक करके आइडिया ले सकते हैं, जहां पे मैं आपके साथ में डिटेल शेयर करूंगा। तो मैं आपको ले चलता हूँ स्क्रीन पे यहाँ पे, और जैसे कि आप जानते हो मैं एक फंडामेंटल ट्रेडर हूँ, तो मैंने पहले पूरा का पूरा जर्नी अपना इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया और कंटिन्यूअसली लास्ट 2 साल से कर रहा था, सो दैट कुछ वैल्यू क्रिएट हो सके। कुछ वैल्यू क्रिएट होने के बाद मैंने अब फुल टाइम ट्रेडिंग करने का प्लान किया। फुल टाइम ट्रेडिंग मतलब कैश ट्रेडिंग, मिनिमम जो पीरियड है 15 दिन से लेकर के 45 दिन तक मैं पकड़ के चलता हूँ, जिसके अंदर मुझे कैसे भी करके जो एक टाइम के लिए 40 से 50 हज़ार रुपए का प्रॉफिट बनाना ही है आने वाले 1.5 महीने के अंदर में, ये मेरा टारगेट है मार्केट के अंदर से, राइट। लेकिन सिर्फ बाई साइड से ही। तो मैं जिस कंपनी को भी सिलेक्ट करता हूँ, पहला प्लस पॉइंट रहेगा कि कंपनी बेहतर होगा, बिजनेस बेहतर होगा, क्योंकि मैं फंडामेंटल रिसर्चर हूँ। उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस या प्राइस एक्शन मेथड यूज करके स्टॉक के अंदर में एंट्री करूंगा। तो अगर आपको ये सब जानना है मैं कौन सा स्टॉक बाय कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, तो ये ज्वाइन बटन क्लिक करके आप ग्रो टुगेदर वाला जो मेंबरशिप ले सकते हो, जिससे आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो थ्रू आउट इस जर्नी में। क्योंकि आप जानते हो कि मेरा जो सिर्फ फुल टाइम यूट्यूब पे ही अब मैंने प्लानिंग किया है कि यही करूंगा, कंटिन्यू करूंगा, बाकी कुछ नहीं करना है। बाकी जो ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड करता हूँ, जहाँ पे आपको कम दाम में जितना कम कॉस्ट हो और जितना ज्यादा क्वालिटी हो उतना सारा मैं आपको डिलीवर कर सकूँ। तो मैं स्टॉक एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स भी चलाता हूँ। तो आप ग्रो टुगेदर अगर क्लिक करोगे तो आपको आपके कमेंट्स पे रिप्लाई भी मिलेगा, आप व्हाट्सएप पे बात भी कर सकते हो, आपका जो मेरा पोर्टफोलियो वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा, मैं क्या बाय कर रहा हूँ सेल कर रहा हूँ, जिससे आपको आइडिया मिल सके। तो आप एक्चुअली मुझे भी सपोर्ट कर सकते हो और साइमल्टेनियसली आपको मालूम पड़ता रहेगा कि मैं अपने पोर्टफोलियो में क्या चेंजेस कर रहा हूँ, क्या बाय कर रहा हूँ, क्या सेल कर रहा हूँ। तो कैश ट्रेडिंग का सबसे प्लस पॉइंट ये है कि उसमें स्टॉप लॉस जैसा कोई ज्यादा टेंशन नहीं रहता, कि कम से कम 45 डेज 2 महीना तक होल्ड करने का प्लानिंग करते हो, तो कम से कम 1 महीने में 5 कंपनीज में एंटर करना है। 5 में से अगर 3 चलता है, 2 शायद ना चले, तो उसके अंदर वेटिंग पीरियड, जब तक 3 चल गया तो उसमें से पैसा निकालो, फिर से री इन्वेस्ट करो, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए 1 से 1.5 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, उसके बाद फिर से इसी तरह आप चर्न कर सकते हो, राइट। मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो डाला था यहाँ पे, व्हाई यू मस्ट बाय आपका रूपा रूपा कंपनी का, तो मैं पहले वही स्टॉक कंसिडर करने वाला हूँ जिसके अंदर मैंने अभी 3,900 रुपए के आसपास का प्रॉफिट बुक किया है, राइट। तो रूपा में मेरा टारगेट कितना था प्राइस एक्शन के बेसिस पे, क्योंकि इस कंपनी का फंडामेंटल मैं ऑलरेडी अच्छी तरीके से जानता हूँ काफी रिसर्च करने के बाद, और इसमें प्राइस एक्शन काफी अच्छा खासा बैठा था। पहले आपको हमेशा क्या करना है, जब भी आप प्राइस एक्शन यूज करते हो ना, पहले वीकली टाइम फ्रेम पे चले जाओ या मंथली टाइम फ्रेम पे चले जाओ। तो मैं जाता हूँ पहले वीकली टाइम फ्रेम पे, तो वीकली टाइम फ्रेम पे मैं आ जाता हूँ, तो मुझे इसमें क्या दिखाई देता है जिसके लिए मैंने स्टॉक कंसिडर किया था। तो मैं यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके अंदर में एक लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट होने का प्रोबेबिलिटी हाइयर था, राइट। आप यहाँ पे सॉरी डबल लाइन ले लेते हैं, यहाँ से मैं डबल लाइन ले लेता हूँ। बहुत सारे ने कहा है कि आवाज कम आता है, इसलिए मैं थोड़ा रेस करके बोल रहा हूँ। सो यहाँ पे ये इसका एंट्री पॉइंट था, आप चाहो तो उसका थिकनेस लेवल कम भी कर सकते हो, ज्यादा भी कर सकते, लेकिन मैंने पूरा पॉइंट कवर करने की कोशिश किया है, राइट। सो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसके अंदर में लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट हो सकता है स्टॉक के अंदर में, कंपनी का फंडामेंटल काफी बेहतर है और रेवेन्यू कंपनी 4 गुना ऊपर ले जाने वाली है। सो आप, मैंने कहा था इसका टारगेट इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। इसका टारगेट कुछ बन रहा है अराउंड 850 रुपीज के आसपास का टारगेट बन रहा है, लेकिन क्या होता है ना कभी कभी स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट होता है, जब भी आपको देखना है आप चाहो तो इसको एक तरह से आप कह सकते हो कप एंड हैंडल पैटर्न भी कह सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, या फिर इसके अंदर में आप ये चीज नोटिस करोगे कि स्टॉक बहुत टाइम से कंसोलिडेशन रेंज में। यहां से मैं बना देता हूँ एक चैनल, तो आप देखो कि इस चैनल के अंदर में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, राइट। ये वीकली टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम पे तो आपका पीरियड कम से कम 2 से 2.5 महीने के आसपास भी जा सकता है, राइट। इसको मैं डेली टाइम फ्रेम पे कर देता हूँ तो आपका 45 दिन 60 दिन के आसपास आ जाएगा। तो यहाँ पे नोटिस करता हूँ कि स्टॉक एक चैनल के अंदर में ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे इसका मैं थोड़ा सा लेवल कम कर देता हूँ, राइट। तो एक चैनल के अंदर में ट्रेड कर रहा है, यहाँ से स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है, राइट, मतलब रीटेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे आपको एक चीज दिखाई देगा कि वॉल्यूम काफी साउंड है,
इसमें वॉल्यूम काफी तेजी से ग्रो हुआ है। तो आज के दिन ही मैंने स्टॉक के अंदर में जो फ्राइडे के दिन एंटर किया था, आई थिंक इसी में से मैंने एक्सिट करके प्रॉफिट बुक कर लिया, ऑलमोस्ट 8%, 3,900 रुपीज के आसपास का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने ऑलमोस्ट जो स्टॉक है रूपा का 569 रुपीज के आसपास बेच दिया, अभी 571 रुपीज के आसपास का स्टॉक फिलहाल ट्रेड कर रहा है। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर आपका कैश ट्रेडिंग करते हो तो कुछ स्टॉक में मुझे लॉस हुआ है, उसके बाद मैंने 2 महीने तक कुछ ट्रेडिंग नहीं किया, जनवरी में नहीं किया था, मार्च में कुछ नहीं किया था, राइट, क्योंकि मैं बिजी था। तो मैं कैश ट्रेडिंग करता हूँ, इसके लिए आपको एक ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा रहेगा, अदरवाइज ये जहाँ पे रेड है, जहाँ पे एक कंपनी में सिक्वेंट में लॉस हुआ था, नो डाउट। तो मैं अब मेरा प्लानिंग है कि कम से कम 3 लाख रुपए कैपिटल को हर महीने 2 महीने में टर्न करना है, कम से कम उसके ऊपर 15-20% रिटर्न जनरेट करना है, कम से कम 2 महीने का टाइम फ्रेम मैं पकड़ के चला हूँ, और लॉस होने के कम चांसेस है। आप चाहो तो पूरा का पूरा मेरा PNL देख सकते हो 2020 से लेकर के अभी तक का, अगर आपको देखना है तो आपको दिखाई देगा ज्यादातर ग्रीन में ही दिखाई देगा। सो 2020 से लेकर के अभी तक आपको पूरा अपडेट नहीं हुआ, ओके। सो 2020 से लेकर के अब तक आपको पूरा ग्रीन ही दिखाई देगा, कोई ये अनरियलाइज्ड गेन है, क्योंकि कुछ स्टॉक में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के हिसाब से प्लानिंग किया वो है, बाकी आपको ग्रीन ही दिखाई देगा मोस्टली, राइट। सो ये स्टॉक के अंदर में रूपा मैंने ये सोच करके एंटर किया। अब इसमें फिर से कब एंट्री री एंट्री करूंगा, जब ये स्टॉक आपका फिर से अराउंड इस लेवल पे आ जाएगा 534 रुपीज के आसपास, और इसके अंदर का जो टारगेट मैंने पकड़ के चला हूँ ये कम से कम एकदम शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से मैं यही टारगेट पकड़ के चलूंगा, मैं ज्यादा भी बुलिश नहीं होता हूँ स्टॉक पे। ये मेरा टारगेट है इसका 699 का, या आप कह सकते हो 700 रुपए का मेरा टारगेट और पकड़ के चला हूं, तो स्टॉक के अंदर फिर से री एंट्री करूंगा क्योंकि वॉल्यूम अच्छा खासा ग्रो हुआ है। आप यहाँ पे और भी हाई किनाशी पुल बैक स्ट्रेटेजी भी यूज कर सकते हो, आप फिबोनाची भी लगा सकते हो। हाई किनाशी लगाओगे तो और थोड़ा सा क्लियर कंफर्मेशन मिलेगा आपको, हाई किनाशी आप यूज करोगे तो आपको लास्ट के 3 कैंडल्स कम से कम दिखने चाहिए, जिसमें कोई बॉटम में कोई भी आपका विक नहीं होना चाहिए। अभी 2 कैंडल बना जिसमें विक नहीं है, तो तीसरा कैंडल का हायर प्रोबेबिलिटी की जिसमें बन सकता है, राइट। उसके बाद अगर मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम पे कवर करूं तो यहाँ पे आप इसका MACD RSI भी चेक कर लो, तो MACD एकदम परफेक्ट सिग्नल दे रहा है कि स्टॉक के अंदर में ब्रेकआउट होगा, हाइयर चांसेस होगा, कंपनी का अर्निंग काफी ग्रो हो रहा है। इस वीडियो नहीं देखा आपने तो ये जाकर के देख लेना, व्हाई यू मस्ट इन्वेस्ट इन टू रूपा फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। मैंने इसका फंडामेंटल भी कवर किया और टेक्निकल भी इसके अंदर कवर किया है, और मेरे चैनल पे ज्यादातर आपको वीडियोस क्वालिटी वाला ही मिलेगा क्योंकि मैं फंडामेंटल रिसर्चर पहले हूँ, उसके बाद टेक्निकल, राइट। सो ये पहला स्टॉक है। दूसरा स्टॉक मैंने अभी रिसेंटली, आप जैसे ही जानते हो मेरा एक पोर्टफोलियो में स्टॉक या होल्डिंग जो था जिसके अंदर मैंने रिसेंटली बेचा है आपका HFCL, विद 21,000 के कुछ तो प्रॉफिट में मैंने बेच दिया फिलहाल रिसेंटली। किधर गया, ओके फाइन, मैंने 21,000 के प्रॉफिट में बेच दिया जस्ट फॉर योर नॉलेज। यहाँ पे आप देखो HFCL मैंने फिर से अभी के टाइम पे बाई किया है 586 क्वांटिटी। अब HFCL मैंने क्यों बाई किया है, लास्ट 1 मंथ का मैं आई थिंक अभी तो मैंने दिख क्यों नहीं रहा है 22, अब भी HFCL मैंने बेचा था। HFCL लॉन्ग टर्म प्लेयर है, उसका एनालिसिस मैंने कल ही किया था आपको अगर याद होगा तो। सो HFCL आप देख सकते हो कि HFCL मैंने ऑलमोस्ट 46,000 रुपए का प्रॉफिट बुक किया हूँ इसके अंदर टोटल मैंने HFCL में, लेकिन कल मैंने कुछ टाइम पहले ही बेचा था स्टॉक गिरने से पहले, क्योंकि कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट्स आ चुका था तो मैं समझ गया था स्टॉक के अंदर में नीचे आने वाला था। 46,000 का इसमें टोटल मैंने अब तक प्रॉफिट बुक किया है, राइट। अब मैं स्टॉक के अंदर फिर से एंट्री किया हूँ, क्यों एंट्री किया हूँ वो मैं दिखा देता हूँ आपको। HFCL, सो HFCL का स्टॉक अभी के टाइम पे, पहले वीकली टाइम फ्रेम पे आप चेक कर लेना, पहले मैं इसको हाई किनाशी हटाता हूँ और नॉर्मल कैंडल्स पे ले आते हैं, राइट। सो इस स्टॉक के अंदर में आप देखोगे कि ये कंसोलिडेशन रेंज में चल रहा है, और मैंने कहा कि जिस दिन ये स्टॉक 93 का रेजिस्टेंस तोड़ेगा उस दिन स्टॉक 110 के ऊपर जाएगा फॉर श्योर, और बीच में 100 गया भी था, राइट। सो ये स्टॉक के अंदर मैंने फिलहाल एग्जिट किया। अब ये स्टॉक में एंट्री मैंने इसके लिए किया है, यहाँ पे मैं एक कुछ लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ ट्रेंड। अब इसके अंदर में FII और DII का स्टेक काफी बेहतर है, आपको मैंने कल ही एनालिसिस में बताया था, अगर वीडियो नहीं देखा है आपने HFCL का तो प्लीज जाकर के देखना, इसके अंदर मैंने काफी डेप्थ में कवर किया है कंपनी का फिर से। वैसे तो HFCL मैंने 12 रुपए से बाइंग करना स्टार्ट किया है, और आपका ट्राइडेंट लिमिटेड, कुछ ऐसी कंपनीज है जो मैंने बाय किया जिससे मेरा पोर्टफोलियो बना है, नो डाउट, राइट। सो यहाँ पे HFCL के अंदर में, यहाँ पे मैं इसका थिकनेस लेवल, यहाँ पे इसका आप देखोगे कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या ट्रेंड लाइन के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, बार बार यहाँ आता है, नीचे गिरता है, फिर ऊपर जाता है, राइट। उसके बाद फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे टच किया, फिर ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ चांसेस है, फिर से यहाँ पे टच किया, तो यहीं पे मैंने क्या किया, बाई कर लिया स्टॉक को विद अ
अगर ये स्टॉक नीचे आता है तो मेरा इसके अंदर क्या होगा कि कुछ कुछ कंपनी जैसे मैंने कहा कि नहीं परफॉर्म करता इन केस, तो मैं उसको होल्ड रखता हूँ कि कंपनी बेहतर है तो मुझे लॉस करने की जरूरत नहीं है, कि जो पहले मैंने एक बार लॉस किया अब लॉस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये स्टॉक के अंदर अब मेरा टारगेट है 76-78 रुपीज का आ गया टारगेट कम से कम, मतलब 12 से 15%, और मैंने 586 क्वांटिटी शायद बाय किया है तो ऑलमोस्ट मुझे इस पे 7 से 8 हजार रुपए का प्रॉफिट भी होता है, तो काफी बेहतर है राइट। ज्यादा लंबा समय फिलहाल इस स्टॉक में वेट करने की जरूरत नहीं है मुझे, लेकिन अगर मेरे पास पैसा अगर आता है कल जाकर के और ज्यादा पैसा आता है तब मैं स्टॉक के अंदर में ज्यादा ज्यादा क्वांटिटी खरीदूंगा और 10% भी आपको ज्यादा रिटर्न देखने को मिलेगा राइट। अगर किसी ने इसमें 10,000 क्वांटिटी लिया अभी और इस भाव पे और 10% भी ऊपर चले गया तो इट्स मेकिंग गुड मनी राइट। सो ओवरऑल इट्स ऑल अबाउट द रिटर्न्स राइट। हर किसी का कैपेसिटी डिफरेंट होता है, तो यहाँ पे HFCL में यहाँ पे आप देख सकते हो काफी नीचे 67 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और आप चाहो इसका MACD RSI भी चेक कर लो अभी के टाइम पे। आप देखते हो स्टोकैस्टिक RSI जब भी एकदम जीरो लाइन के नीचे आता ना तब मैं स्टॉक के अंदर में एंट्री करता ही करता हूँ और प्राइस एक्शन पैटर्न के हिसाब से। तो यहाँ पे मुझे एक दिख रहा है एक टाइम के लिए ये स्टॉक के अंदर हायर लो भी आप कह सकते हो, मतलब ये जो लो है ये उसका हायर है, फिर ये जो लो है इससे हायर है, फिर ये जो लो है इससे हायर है, तो अब चांसेस है अगर स्टॉक मेरा फिर से अगर जाएगा ऊपर तो चांसेस है कि अब रिवर्सल में भी यहाँ से थोड़ा नीचे भी आ सकता है, पॉसिबल है राइट। तो यहाँ से अगर थोड़ा बहुत ऊपर जाकर फिर से हायर जो बनाएगा तो मे भी यहाँ आ सकता है राइट, यहाँ पे लेवल पे। तो इसके लिए स्टॉक के अंदर में इसको आप एक्यूमुलेट भी कर सकते हो और शॉर्ट टर्म पोजीशन का भी सोच सकते हो। स्टोकैस्टिक RSI कंफर्मेशन दे रहा है इसके लिए स्टॉक के अंदर मैंने एंटर किया है, और वीकली टाइम फ्रेम भी चेक करो ज्यादा से ज्यादा डेटा पॉइंट कलेक्ट होता है तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि मे बी स्टॉक थोड़ा टेम्पररी यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है कुछ वक्त के लिए, लेकिन उसके बाद स्टॉक के अंदर में ब्रेकआउट देखने को मिले, जैसे ही MACD आपका यहाँ से थोड़ा सा रिवर्सल जाएगा, मतलब कम से कम 45 दिन जो मैंने पकड़ के चला स्टॉक के अंदर में परफेक्ट पकड़ के चला हूं। तो कैश ट्रेडिंग करने से आपका एक तरह से सैलरी की जैसे आप ट्रीट कर पाओगे कि आपका सैलरी आप रिसीव कर पा रहे हो, प्रॉफिट बुक करके पैसा निकाल पा रहे हो राइट। तो अगर आपको इसी तरह मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज चैनल को लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आपको और ज्यादा मुझे सपोर्ट करना है तो प्लीज आप ज्वाइन बटन क्लिक करके मुझे सपोर्ट कर सकते हो, सो दैट मैं ये चैनल को ग्रो करने के लिए फंड यूज कर सकता हूँ राइट। मतलब जो अर्नर प्लान है इनकेस आप जॉब करते हो तो ये सपोर्ट कर सकते हो, या फिर ग्रो टुगेदर करना है जहाँ पे मैं आपको पोर्टफोलियो मेरे स्टॉक्स मेरे जो भी मैं कर रहा हूँ वो सारा का सारा चीज आपके साथ शेयर करता रहूंगा, यहाँ तक कि रिसर्च रिपोर्ट जो मैं बनाता हूँ वो भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा राइट। तो थैंक यू सो मच एंड विश यू अ वेरी हैप्पी ईद। कल ईद है तो मोस्टली शायद मे बी वीडियो ना बनाऊं या मे बी मैं लाइव आऊं इवनिंग के टाइम पे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।